करंट अफेयर्स, यहाँ पे आपको जनवरी 2023 से लेकर के अगस्त 2023 तक के ऑलमोस्ट सारे के सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। इससे पुराना करंट अफेयर आप चाहे पढ़ने के लिए तो पुराने मैगजीन्स दिसंबर 2022, नवंबर 2022 के मंथली मैगजीन लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लास में हम जनवरी से लेकर के अगस्त 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हमारे इस करंट अफेयर की सीरीज में जो सबसे पहला होगा आपका इंडियन करंट अफेयर, इंडियन करंट अफेयर, भारतीय समसामयिक मुद्दे। ठीक, और इसमें सबसे पहला आप नोट कर लीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट, बस सीक्वेंस में पॉइंट वाइज ही नोट करते चले जाइएगा, जहां पे उसका कोई हेडिंग अलग देना होगा वहां पर मैं बताते चलूंगा। फिलहाल आप बिल्कुल सीधे पहला पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पहला करंट अफेयर में इम्पॉर्टेंट एक कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये किस प्रकार की कंपनी है, नवरत्न है या महारत्न है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ये महारत्न कंपनी है, इसको महारत्न का दर्जा हाल ही में मिला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे ये इकोनॉमी के अंदर कवर हो जाएगा पर यहाँ पे हम इसको करंट अफेयर वाले मुद्दे में ही नोट करेंगे। ठीक, ऑयल इंडिया लिमिटेड डैश करके लिख लीजिएगा, भारत की 13th महारत्न कंपनी, भारत की 13वीं या 13th महारत्न कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट इसी से संबंधित नोट करते चलेंगे, वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसको शॉर्ट में आप OIL इस तरीके से नोट करते चलेंगे, OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्रदान किया। वित्त मंत्रालय ने OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट है, महारत्न के लिए आवश्यक शर्तें, किसी भी कंपनी को महारत्न का दर्जा देना है तो कौन कौन सी शर्तें हैं, महारत्न के लिए आवश्यक शर्तें। सबसे पहला है नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, किसी कंपनी को महारत्न में प्रमोट होने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले नवरत्न कंपनी हो, पहला शर्त है नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो। सेकंड पॉइंट है शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना चाहिए, शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। तीसरा शर्त है पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, औसत वार्षिक कारोबार पिछले तीन वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए।
हाँ टर्नओवर है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के साथ औसत शुद्ध संपत्ति नेटवर्थ, औसत शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़, औसत शुद्ध संपत्ति नेटवर्थ 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के साथ, मतलब ये पिछले 3 वर्षों के बारे में बात कर रहा है, इसी के साथ वार्षिक शुद्ध लाभ, इसी के साथ वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़, वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। और लास्ट बहुत जनरल टाइप का एक स्टेटमेंट है, ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए, वैश्विक स्तर पर संचालित हो, वैश्विक स्तर पर संचालित हो, ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज में भी काम कर रहा हो। ठीक है, तो इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये 3 फिगर्स में से हैं, 25,000 करोड़, 15,000 करोड़ और 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ क्या चीज है? नेट प्रॉफिट है। 15,000 करोड़ क्या चीज है? नेट वर्थ, उसकी जो संपत्ति है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कम से कम 15,000 करोड़। और हाँ, औसत, अच्छा उसका जो नेट वर्थ है वो उसके टर्नओवर से कम कैसे है, यही पूछ रहे हो ना? सर उसके पास 15,000 करोड़ है लेकिन वो 25,000 संपत्ति है, संपत्ति की बात की जा रही है। संपत्ति का मतलब उसके पास बिल्डिंग है, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं, ठीक है, उसके पास कोई सॉफ्टवेयर के लाइसेंस हैं, ये सभी उसकी संपत्ति में आते हैं। किसी एक्टर या एक्ट्रेस की नेटवर्थ इतनी है ऐसा सुने हैं? किसी प्लेयर की नेटवर्थ इतनी है करके सुने हैं? मतलब सुनते हैं कभी यूट्यूब पे या कभी फेसबुक पे या इंटरनेट ब्राउज करते समय आपको स्क्रॉल करते रहेंगे तो ये दिख जाता है कि फला एक्टर की या एक्ट्रेस की नेटवर्थ इतनी है। नेटवर्थ का मतलब ये नहीं है कि उसके पास कैश में या उसके बैंक डिपॉजिट में उतने पैसे पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि उसके पास जो मूवीज़ के राइट्स हैं, सैटेलाइट राइट्स हैं, या फिर उसके पास जो प्रॉपर्टी है उन सब की कीमत मिला करके उतनी है। ठीक है, नेटवर्थ या संपत्ति का मतलब उसके कैश बैलेंस से नहीं होता है। ठीक है, और वैसे ही टर्नओवर का मतलब भी उसके कैश बैलेंस से नहीं है, उतने का व्यापार किया है इसका ये मतलब है। ठीक, तो किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा मिलने के लिए कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करनी है? 3 कंडीशन है। सबसे पहला है नेट प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़, नेट वर्थ कितना 15,000 करोड़, और उसका टर्नओवर है वो कितना चाहिए? 25,000 करोड़। ये 3 फिगर्स याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद में ये तो 13वां महारत्न कंपनी था, कौन सा? ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके 12 और कौन कौन सी कंपनियां हैं उसको क्या करेंगे? बस एक लाइन में सारी कंपनियों के नाम नोट कर लीजिएगा। नहीं, यूनिकॉर्न अलग चीज है, कोई वो यूनिकॉर्न का कल्चर तब आया है जब पिछले 5-10 सालों में स्टार्टअप कल्चर बढ़ा है। कोई भी कंपनी ऐसी जिसका कि वैल्यूएशन 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा का हो जाता है ऐसी कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। ठीक, वैल्यूएशन की बात होती है ना सिर्फ, वहां पे भी ये नहीं देखा जाता कि उनका नेट प्रॉफिट उतना है या नहीं है, उसकी मार्केट वैल्यू की चर्चा की जाती है वहां पे। कई ऐसे यूनिकॉर्न्स हैं जो कि आज घाटे पे चल रहे हैं पर यूनिकॉर्न के क्लब में शामिल हैं वो। नेटवर्थ भी अलग चीज है, कई बार क्या होता है उनकी नेटवर्थ अलग है पर कई बार उन कंपनियों की वैल्यूएशन, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो उन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, इस वजह से क्या होती है कि कई बार कंपनियों की वैल्यू बढ़ जाती है, अलग अलग लोग पैसा लगा रहे हैं इसी वजह से कंपनी का वैल्यू बढ़ गया है,
पर उस समय उसका बिजनेस बैकग्राउंड में वो उसका बिजनेस बहुत सॉलिड तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये भी एक क्वेश्चनेबल हो जाता है। जैसे कि बायजूस, बायजूस का नाम सुने हैं अभी? बायजूस जो है वो उसका घाटे में चल रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉयज को भी फायर कर रहा है। एक समय पे उसकी नेटवर्थ बहुत अच्छी थी, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड में कोई प्रॉपर बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं था, इसी वजह से उसका क्या है, अब डाउनफॉल होना शुरू हो गया है। दूसरी चीज़ ये भी है कि वैसे बहुत सारे एड टेक कंपनी सब उठ के साथ में कॉम्पिटिशन में आ गए हैं, इसी वजह से उसको अच्छा खासा कॉम्पिटिशन मिल रहा है और उसकी जो नेट वैल्यू है वो गिरती जा रही है। ठीक, यहाँ पे जो 12 महारत्न कंपनी है उनका बस नाम एक लाइन में नोट कर लीजिएगा। अन्य 12 महारत्न कंपनियां, 13वां महारत्न कौन सा था? ऑयल इंडिया लिमिटेड। अन्य 12 महारत्न कंपनियां, अन्य 12 महारत्न कंपनियां शॉर्ट में नोट करते चलेंगे, याद रहेगा उसका फुल फॉर्म आपको। पहला है IOCL, क्या है इसका फुल फॉर्म? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। पहला है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। सेकंड है NTPC, पहला IOCL, सेकंड है NTPC, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तीसरा है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC। चौथा है सेल, SAIL, सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, SAIL। नेक्स्ट है CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। किसी का कुछ छूट गया होगा तो वापस से देख लीजिए, पहले था IOCL, सेकंड था NTPC, तीसरा है ONGC, उसके बाद में सेल, उसके बाद में है CIL। ठीक, नेक्स्ट है भेल, BHEL, BHEL, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है गेल, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, सेल, गेल, भेल, फिर BPCL। नेक्स्ट है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL। नेक्स्ट है PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL। पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं वही वाला PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL। नेक्स्ट है PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद में REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। और उसके बाद में सबसे लास्ट आपका है जो 13वें नंबर का था, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये विद्युत वितरण कंपनियों को लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक, ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम, या फिर पावर हाउस या जनरेशन हाउस बनाने के लिए उनको लोन प्रोवाइड करने का भी काम करता है। हाँ, महारत्न कंपनियों के लिए ये जितने भी क्राइटेरिया हैं वो तीनों, मतलब जितने भी क्राइटेरिया हैं सभी पूरे होने चाहिए।
मतलब सिर्फ प्रॉफिट अगर 5,000 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं पर उनका नेटवर्थ उतना नहीं है, या फिर उनका वैश्विक प्रेजेंस नहीं है, या फिर 25,000 करोड़ का टर्नओवर नहीं है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन फेल होता है तो महारत्न नहीं मिलेगा। ठीक, तो सारे के सारे कंडीशंस पास होने ज़रूरी है महारत्न के लिए। ठीक, इन 12 कंपनियों में से किसी का नाम छूट गया क्या? सबसे पहला था IOCL, फिर NTPC, ONGC, सेल, CIL, भेल, फिर गेल, BPCL, HPCL, PGCIL, PFC और लास्ट में है REC और 13वें नंबर पे आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट करंट अफेयर नोट करिएगा, ये था आपका महारत्न कंपनी के बारे में। नेक्स्ट नोट कर सकते हैं आप, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स हैं उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा, देश के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो देश इंटरनेशनल नेशनल इवेंट है उसको नोट करिएगा। देश के 1300 रेलवे स्टेशन, देश के 1300 रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के जैसे विकसित किए जाएंगे। देश के 1300 रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के जैसे विकसित किए जाएंगे। देश के 1300 रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के जैसे विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं इसको ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा। आगे इसी पॉइंट में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, इन 7 रेलवे स्टेशन में, छत्तीसगढ़ के जो 7 रेलवे स्टेशन है इसमें कौन कौन से हैं? रायपुर, कौमा, दुर्ग, कौमा, बिलासपुर, नेक्स्ट है अकलतरा, 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 कौमा, महासमुंद, कौमा, भिलाई पावर हाउस, भिलाई पावर हाउस, कौमा, तिल्दा नेवरा, ये एक ही नाम है। ठीक है, तिल्दा नेवरा। ठीक, तो प्रोजेक्ट क्या है? देश के 1300 रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशन हैं? 7 रेलवे स्टेशन हैं। कम से कम संख्या याद रखिएगा, कौन कौन सा है ये याद न रहे तो भी कम से कम संख्या याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके आगे इसी प्रोजेक्ट में नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। यह प्रोजेक्ट अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत संचालित है।
यह प्रोजेक्ट अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत संचालित है। यह प्रोजेक्ट अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत संचालित है। ठीक, ये था आपका रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है, नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट करंट अफेयर है भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट, भारत नेट प्रोजेक्ट, भारत नेट प्रोजेक्ट। इसमें नोट कर लीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट, देश के 6.4 लाख गांवों को, देश के 6.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने की योजना, इंटरनेट के लिए वहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जाएगा। देश के 6.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने की योजना। जहां पे आपने हेडिंग लिखा है भारत नेट प्रोजेक्ट, यहीं पे इसका वर्ष भी लिख लीजिएगा, कब से शुरुआत है इसकी, 2015 से। हालांकि ये इससे पहले का स्कीम है जो कि पुरानी गवर्नमेंट के टाइम पर चल रहा था, चाहे तो उसको भी नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर लीजिएगा इसमें। वर्ष 2011 में, इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ हुआ। वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये 2011 से स्कीम शुरू हुआ था, मोदी जी के आने के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया। 2015 में किस नाम से संचालित है, भारत नेट प्रोजेक्ट के नाम से। कितने गांवों का लक्ष्य रखा गया है, 6.4 लाख गांवों का। हालांकि 2015 में ये केवल 2.5 लाख गांवों को इसमें लक्षित किया गया था, उसके बाद में इसको बढ़ा करके 6.4 लाख कर दिया गया है। ठीक, इसमें एक और बेसिक सा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें फ्री में कनेक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसका जो नॉमिनल चार्ज है, जो मिनिमम चार्ज है, वो है 399 रुपये मासिक। कोई भी गांव मिनिमम इतने का टैरिफ प्लान लेगा, उससे ऊपर का अगर उनको स्पीड चाहिए तो उसके हिसाब से प्लान्स अलग हैं। यहां पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इस स्कीम में न्यूनतम 399 रुपये से प्लान प्रारंभ है। मिनिमम प्राइस यहां पर 399 रुपये रखा गया है। ठीक, ये बिल्कुल बेसिक प्लान होगा, इसके ऊपर कोई भी गांव अगर अपनी नीड के हिसाब से हैवी प्लान्स ले सकते हैं। ठीक, ये था आपका भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ, नहीं नहीं, गांव में कम से कम एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, जनरली वो ग्राम पंचायत के ऑफिस में ही होता है, ताकि गांव के लोगों को कोई भी अगर अपना सरकारी काम करना है, करवाना है, उसकी सुविधा उनको वहां से मिल जाए। ठीक है, और कुछ पर्सनल कनेक्शन ले सकते हैं, लाइन एक बार वहां तक पहुंच गया तो कोई भी पर्सनल कनेक्शन भी ले सकता है, पर जो पहला कनेक्शन है वो एटलीस्ट गाँव के कम से कम ग्राम पंचायत में होना चाहिए। हाँ,
प्राइवेट कंपनी को ही इसका मतलब टेंडर रहता है क्या? मतलब पूछना क्या चाह रहे थे, जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनी है वो पूरे ब्रॉडबैंड का कनेक्शन फैलाएगी, ठीक है? हाँ हाँ नहीं, टेलीकॉम कंपनी तब करती थी जब उनको वहाँ पर कंज्यूमर बेस ज़्यादा मिलता था, ठीक है? शहरी क्षेत्रों में वो सबसे पहले टारगेट क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो पता है उनको कि वहाँ पर कनेक्शन पहुँचते ही बहुत सारे कंज्यूमर जो है वो अप्लाई कर लेंगे, बहुत सारे लोग कनेक्शन ले लेंगे, इससे उनका क्या है इन्वेस्टमेंट जो हुआ है उसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। पर गाँव में जहाँ लोग मोबाइल में अपना रिचार्ज नहीं करवाते मंथली, वो क्या वहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेंगे? ना तो उनकी नीड है, ना तो कोई वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। इसी वजह से सरकार को इंटरफेयर करना पड़ा कि हर गांव में कम से कम एक कनेक्शन रहना चाहिए, ताकि बेसिक जो फैसिलिटी है, जैसे कि आपका हो गया आधार कार्ड से रिलेटेड, कोई प्लान है, कोई स्कीम है उसके लिए अप्लाई करने से रिलेटेड, ये सारे काम गांव के लोगों को कम से कम एक जगह पे सुविधा ये चीज़ मिल सके, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाकी कल करते हैं।